हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डील्स फॉर यू। गाइस बात करने वाले हैं डोर मेट्री सर्विसेज के बारे में। जी हाँ गाइस, इस तरीके की सर्विसेज आपको मैक्सिमम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको नॉमिनल चार्जेस में रूम फैसिलिटी मिल जाती है। जी हाँ गाइस, अभी हम राउरकेला रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर हम डोर मेट्री की सर्विसेज ले रहे हैं। इस डोर मेट्री की सर्विसेज आपको एसी और नॉन एसी बोथ में मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं एसी की सर्विसेज तो एसी में, अदरवाइज नॉन एसी के साथ में भी आप डोर मैट्री की सर्विसेज अपने रेलवे स्टेशन पर या फिर अपने डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, डोर मैट्री सर्विसेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है। इस तरीके की सर्विसेज रिजर्व करने के लिए गाइस, आपको अपने टिकट पर लिखा हुआ पीएनआर नंबर और साथ ही आधार कार्ड के जेरोक्स कॉपी की नीड होगी। इस आधार नंबर के जेरोक्स कॉपी पर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और नंबर ऑफ पर्सन्स की डिटेल्स यहां पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपने इसको लेकर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर सबमिट करना होगा, जहां से आपको रिटायरिंग रूम या फिर डोरमेट्री का टिकट या फिर रिजर्वेशन टिकट मिलेगा। फाइनली गाइस, हमने डोरमेट्री के लिए अपने रूम्स बुक कर लिए हैं। अब चलते हैं और देखते हैं रेलवेज के द्वारा पीपल्स को कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और रूम्स कैसा होता है। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रिटायरिंग रूम या फिर डोरमेट्री रूम के एंट्रेंस पर। यहां पर हमको अपना टिकट जो है वो दिखाना होगा और साथ ही वेरीफाई कराना होगा। साथ ही इस रिटायरिंग रूम के रजिस्टर्स पर हमको अपना नाम, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर फिलअप करनी होगी और साथ ही अपने इनकमिंग का टाइमिंग भी यहां पर डालना होगा। डोरमेट्री या फिर रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी रेलवेज के द्वारा 8 AM दैट मींस सुबह के 8 बजे तक मॉर्निंग के लिए या फिर 20 आवर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर आप अपने डोरमेट्री की सर्विसेज एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको अपने रिटायरिंग रूम की जो एग्जिट टाइमिंग होगी उससे पहले ही जाकर आपको रिजर्वेशन काउंटर पर फिर से कॉन्टेक्ट करना होगा और अपनी डोरमेट्री या फिर रिटायरिंग रूम की जो सर्विसेज हैं उसको एक्सटेंड करवानी पड़ेगी। इस तरीके से गाइस, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमको रूम अलॉट हुए हैं उस रूम पर चलते हैं और देखते हैं रेलवे क्या क्या फैसिलिटीज देती है और रूम आखिर कैसा होता है, क्या यह रूम ओयू से बेहतर है या फिर बढ़िया फैसिलिटीज रेलवे के द्वारा लोगों को दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यहां पर अलग अलग रूम के सामने रूम का नंबर मेंशन है और साथ ये मेंशन है कि ये एसी है कि नॉन है। हमने जो रूम बुक किया हुआ है गाइस या फिर हमने जो फैसिलिटीज ली हुई है सर्विसेज, वो हमने नॉन एसी की ली हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, ये हमने रूम नंबर 10 है। सो फाइनली गाइस, हमने इस डोरमेट्री की सर्विसेज के रूम के अंदर एंटर कर लिया है। यहाँ पर आपको एक कबर्ड मिलता है जहाँ पर आप अपने लगेज और अपने बैग्स को रख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस रूम के अंदर आपको 2 चेयर्स और 1 टी टेबल भी मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको किंग साइज का बेड मिलेगा जहाँ पर आप 2 पोजीशंस आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बेड का साइज ठीक है। अब बात करते हैं गाइस वॉशरूम या फिर टॉयलेट की। यहाँ पर आपको वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको गीजर वगैरह की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो इस एक तरीके से ये काफ़ी साफ सुथरा है, हालांकि पुरानी है सारी चीज़ें, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो सारी चीज़ें अच्छी है। आप आराम से यहाँ पर कंफर्टेबल रह सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो अदर रूम्स की फैसिलिटीज या फिर अदर होटल्स को छोड़कर डोर मैट्री की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप चाहते हैं तो नॉन एसी रूम से एसी रूम्स को भी बुक कर सकते हैं, ये भी आपके बजट में होंगे। इस जो सारी फैसिलिटीज जो रेलवे के द्वारा दी जाती है वो काफ़ी सस्ती होती है और आपके बजट में होती है।
रेलवेज के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली डोरमेट की सर्विसेज काफी अच्छी हैं। यहाँ पर आपको दो ट्यूबलाइट्स और साथ में दो फैंस भी मिलेंगे। देखा जाए तो एक तरीके से रेलवे काफी सस्ते में रूम्स प्रोवाइड करती है। सो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन डोरमेट्री के बारे में, जिनको आप आराम से रेलवे स्टेशन पर बुक कर सकते हैं। सो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डीज फॉर यू।